ये पाउडर तुम्हें उस एक तक लेके जाएगा। अगर वो एक, वो शक्ति, वो भूत उस कमरे में या उस जगह पे है तो ये तुम्हें उस एक तक लेके जाएगा। वो अधिशात उसके पास भी रहना एक श्राप की तरह है। आधी नागिन और चील के बेटे की फितरत कोई नहीं समझ सकता, और वो अधिशात उससे तुम कभी नहीं बच पाओगे। अभी अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। हाँ, अंधेरी रात हो, चांदनी का साथ हो, आहट जिसकी सुनाई दे, कौन है वो? छाया में जिसकी छवि, नाम उसका अजनबी। थैंक यू अजनबी, हम आपकी सारी बातें मानेंगे। जाके आरु को बताती हूँ। अंदर कुछ भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस भी है। यार ध्यान से पढ़ना। ये पाउडर तुम्हें उस एक तक लेके जाएगा। पाउडर संभाल के एक कोने में गिराना और उसे देखते रहना। अगर वो एक, वो शक्ति, वो भूत उस कमरे में या उस जगह पे है तो ये तुम्हें उस एक तक लेके जाएगा। पर हमें ये समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। उस तक, यानी उस भूतनी तक। Oh my God, Mani, that's it. अब हमें ये पाउडर इस्तेमाल करके देखना ही होगा। हाँ, और वो पिंक साइकिल वाली किराया था, वो भी यहीं पे। तो चल चल के देखते, आखिर में वो है कौन? यार अरु, अजनबी ने बोला है कि ये पाउडर में बहुत होशियारी से इस्तेमाल करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस सब ठीक से हो जाए। और सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं। मैम तुम जाओ यहाँ से। प्रिया, हाय। हाय, तुम अकेली क्यों खड़ी हो? कम डांस ना। नहीं मैं ठीक हूँ। कम ऑन, जस्ट वन डांस, नो स्वाति के लिए एक डांस प्लीज। ओके।
सॉरी वो क्या 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 हुआ क्या हुआ नहीं वो एक्चुअली वो डांस करते करते गलती से पैर लग गया तो इट्स ओके लगी तो नहीं तुम्हें नहीं मैं ठीक हूं इट्स ओके प्रिया डांस फ्लोर पे तो लगती रहती थोड़ी बहुत नो वरीज और वेव्स तुम्हें कितनी बार बोला सबको अपना डांस टैलेंट मत दिखाया करो सॉरी बना सॉरी इट्स ओके तुम तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करती थी ऐसा ही कहा था ना फिर बॉयफ्रेंड को छोड़कर कहाँ घूम रही हो फेक बॉयफ्रेंड हो तुम मेरे भूलो मत अब वैसे मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अंधेरा कोना खोजा और भूतों की तरह अकेले खड़े हो गए मैं वो नहीं रेहान बेबी लेट्स डांस मुझे नहीं पता था कि वो सामने से आ रहे और ये हाथ से गिर जाएगा ये क्या हो रहा है मुझे ये सब रोकना होगा I'm so sorry, Aru. अब क्या होगा? What? ओ तेरे! अरु, मुझे लग रहा है कि ये पाउडर ना हमें उस भूतनी तक ले जा रहा है चल
अरे लाइट क्या हुआ? अब बस अभी एक मिनट में हो जाएगा, चेक करो ना। हाँ कर रहा हूँ। रैग्स, अभी सब सॉल्व हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, यार ये फ्लैशलाइट भी ऑन नहीं हो रही है। मेरी भी नहीं हो रही। टूट, तुझे पाउडर दिख रहा है क्या? पाउडर छोड़, मुझे अपना हाथ नहीं दिख रहा। बेबी तुमने देखा ना, रेहान भाई और प्रिया ने कितना प्यारा डांस किया, सो क्यूट। अब कौन हो रहा है उनसे ऑब्सेस्ड? हाँ मैं अभी आया। ओके स्वाति बेटा, मॉम को देखा? नहीं डैड, यही गई हूँ। बट है नहीं ना। रैग्स, अरे अरे। मॉम को एंटिक चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है। तुम तो उजाले में भी तोड़ फोड़ करती हो, ये तो फिर भी। कुछ नहीं, सब ठीक है, ट्रिप हुआ होगा। हरियाणा बेटा जरा मेंस चेक कर लो प्लीज। जी बाबा। अब फिर से क्यों आए? मेन स्विच चेक किया? यस डैड, कर रहा हूं। प्रिया का बैग यही है। तुम वो मुझे कुछ काम था। रैग्स, कहाँ रह गए? तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूं मैं, कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं, थोड़ा रेस्टलेस सा फील हो रहा था। I mean, तुम ठीक हो? लाइट भी बंद थी, इतने सारे लोग थे। I was feeling restless. How's you? अब वो क्लस्ट्रोफोबिक प्रॉब्लम है। अब मॉम आप यहाँ बैठिए ना। यहाँ ये यहाँ पे खुला है, प्लीज आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप बैठिए, सिट हियर। अब बेटा पानी मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, करो करो। हाँ इधर देख। यार मत ना यार, जूस पीने दे मुझे। अरे पर रोना क्यों है, हुआ क्या है? तुझे नहीं पता क्या मतलब भूत नहीं पकड़ने का गोल्डन चांस चला गया, और क्या हुआ? अरु अरु आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ ये गड़बड़ सारी मैंने की है, मुझे नहीं पता था वो सामने से आ रहे और वो पाउडर मेरे से हाथ से गिर गया। आई एम सॉरी यार। अरे नहीं यार, मुझे पाउडर गिरने का कोई टेंशन नहीं है। वो तो अपनी लाइन पकड़ के सीधा भूतनी के पास ही जा रहा था, पर सारा टंटा तो इस बत्ती गुल की वजह से हो गया ना, वरना पाउडर ने अपना जादू कब का दिखा देता। देखना यार कैसे वो पाउडर सबके पैरों की धूल बन गया है। तुम्हें अब ठीक तो लग रहा है ना? सॉरी रैग्स, पावर कट के लिए। हमारे एरिया में कभी ऐसे पावर कट्स होते ही नहीं है। इतनी मिडिल क्लास चीज ना हमारे पॉश एरिया में कभी नहीं हुई है, आज पहली बार हुई है। ड्रोन
पता नहीं एक बात समझ में नहीं आई मेरे, जब ये इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी अब मुझे ठीक लग रहा है, तो पैम सर एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर ले। अब गिफ्ट था ना रैक्स, मुझे लगता है गिफ्ट बाद में सोच लेंगे, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ अभी। मतलब डेट तो फिक्स हो गई है, बड़ा ही कूल पंडित है। आंटी उसी दिन सौम्या और मोहित की भी एंगेजमेंट है ना, वो मिनी और आरू मुझे बता रहे थे। नहीं है मतलब इट्स योर डे। हाँ अब वो दिन अर्णव भाई का है। बट सिस खुशियां तो बांटने से बढ़ती है ना, और इससे अच्छा क्या होगा कि वो खुशी में अपने बेस्टी और अपनी बहन के साथ सेलिब्रेट करूं। अरे वाह फिर तो बहुत मजा आएगा, सारे भाई बहन साथ में होंगे, पूरी फैमिली साथ में होगी, बड़ी फैमिली होने का यही तो फायदा होता है। फायदे से याद आया, मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए डिजाइनर कपड़े ऑर्डर किए हैं, मसूरी से नहीं दिल्ली के बुटीक से। माँ वो ऊपर से मंगवा दीजिए ना। दर्शन मॉप छोड़ो, मेरा बैग लेकर आओ अंदर से जल्दी। जी मैम। मैं भी अर्णव के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। अच्छा? और स्वाति के लिए भी, मेरी माँ का पुश्तैनी हार डायमंड का। अर्णव एंगेजमेंट पे स्वाति को तुम वही पहनाना। मेरा बैग कहाँ है प्लीज पकड़ा दो। मैं लेता हूँ। पापा आप बैठो मैं लेके आती हूँ। भगवान क्या हुआ, कुछ एक्साइटिंग हो रहा है? रेहान भाई क्या हुआ? क्या हुआ? सिर इसमें माँ का हार नहीं है। ध्यान से देखो इसी में होगा, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं घर में भूला ही हो तुम। सिद्धार्थ मुझे अच्छे से याद है मैंने इसी बैग में रखा था। हाँ पापा मम्मा ने मेरे सामने इसमें रखा था। वैसे इस घर में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ है, सर्वेंट्स भी भरोसे वाले हैं। नहीं नहीं शशांक ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई सब चोर थोड़ी है, सब घर के ही लोग हैं। रैग्स ही भूल गई होगी शायद, उसने कहीं इधर उधर रख दिया होगा, हो सकता है मेरी बेटियों के बैग में हो, हम चेक कर लेते हैं। सिर मुझे अच्छे से याद है मैंने रेड वेल्वेट पाउच में रखा था वो हार। रियल डायमंड्स थे? ऑफ कोर्स मॉम, पुश्तैनी हार है, उसकी कीमत थोड़ी लगा सकते है। इस ओके बेटा मैं फिर भी अपनी बेटियों के बैग में चेक कर लेता हूँ। अरे सभी के बैग चेक कर लेते हैं। अब मैं भी ढूंढवाती हूँ। सौम्या वो प्रिया का बैग है। अरे कोई बात नहीं चेक कर लीजिए। आंटी कहीं ये तो नहीं था? ये तो वही है। ये हार मेरे बैग, मुझे नहीं पता ये हार मेरे बैग में कहां से आया। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। तुमने ये हार मुझे इसमें रखते हुए देखा है, तुमने इसकी तारीफ भी की, कहा कि कितना खूबसूरत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नियत इतनी खराब होगी। रैक्स कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ तुम तो बीच में मत बोलो, मुझे पता है तुम इसकी तरफदारी करोगे। मुझे तो ये लड़की पहले दिन से पसंद नहीं थी मॉम, दिल भरोसा ही नहीं कर रहा था इस पर। अब मुझे पता चला कि क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये चोर है। मॉम प्लीज। आंटी मैं चोर नहीं हूँ, मुझे किसी की भी कसम खिला लीजिए, मैं सच में मैंने ये नेकलेस नहीं लिया। किसकी कसम खाओगी तुम? तुमने खुद कहा ना कि तुम अनाथ हो। रैग्स एक मिनट, किसी की झूठी कसम खा के कुछ होने वाला है? आंटी मैं झूठ नहीं बोलती। वो तो सब कुछ सामने दिख रहा है और सबूत भी सामने है। मैंने तुम्हें कहा था सिद्धार्थ, इतनी दरिया दिली दिखाना ना कोई अच्छी बात नहीं है, अनजानों पर भरोसा करोगे ना तो यही मिलता है धोखा। अंकल मैं सच बोल रही हूँ, मुझे अपनी वार्डन मैम की कसम है मैंने चोरी नहीं की है, ये मुझे नहीं पता ये हार मेरे बैग में कहाँ से आया। रिलैक्स, अगर ये कह रही है कि इसने हार नहीं रखा
तो फिर बैग में हार किसने डाला? इसी ने छुपाया होगा? नहीं छुपाया। इसके कहने से क्या होता है? कौन सा चोर चोरी करके ये मानता है कि उसने चोरी की है? इसे तो लगा होगा इतने सारे लोग हैं, सब बातों में बिजी हो गए, हार पे तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ऐसे कैसे नहीं जाएगा? सीसीटीवी है घर में, चेक कर सकते हैं। हाँ ये सही है, नाइस आइडिया ब्रो। ठीक है, टैब यही मंगवा लेते हैं, उसी में सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेंगे। हे भगवान, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो उन्हें सब पता चल जाएगा। ये सब स्किप करो और सीधा वहां पहुंचो जब पावर कट हुआ था, 9:07। तुम्हें बड़ा ध्यान है, है? वो एक्चुअली मुझे आदत है छोटी छोटी चीजों का रिकॉर्ड रखना। She's weird. Bro, 9:07. Don't worry, हाँ? हमारे घर में ना सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे अर्नब ने सिक्योरिटी सिस्टम सेटअप किया है, जर्मन। कोई भी चोर जो है ना वो तो मतलब। Hold on. प्रिया, ये तुम्हारा बैग है ना? हाँ वो बैग मेरा है। रुको। और ये तो किसी का हाथ है। हाँ, वो पाउच किसी ने प्रिया के बैग में डाला है ना। ऐसी हरकत कौन कर सकता है? अभी पता चल जाएगा ब्रो, डीप ले। हाँ कोई फायदा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट पॉज करना। ये अंगूठी, ये तो कोई देखी हुई लगती है, पर कहाँ कहाँ देखा मैंने इसे। लकी था चोर, कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा। किसी को दिखाई दे रहा? कौन है? रैग्स। तुम देख रही हो, किसी ने जानबूझ करके प्रिया को फंसाने की कोशिश की है। इस बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं, और तुमने इतनी खरी खोटी सुना दी उसे बिना कुछ सोचे समझे। रैक्स, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। इनफैक्ट हम सबको प्रिया से माफी मांगनी चाहिए। नहीं प्लीज, ये सब की जरूरत नहीं है। देखो सिद्धार्थ, मैंने जो कुछ भी रिएक्ट किया है, जो मैंने देखा उस पर किया है। थैंक यू रेहान, तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। मुझे एक्साइटिंग चीजें बड़ी पसंद है, और ये बहुत एक्साइटिंग था। ओके, कम्स ऑन कम्स ऑन, चलो चलो, अभी बहुत हो गया, अभी थोड़ा एंजॉय करते हैं। कम कम कम। देखो तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा, बिना इजाजत अंदर आना। इजाजत तो मैंने भी नहीं दी है किसी को कि मेरी कोई ऐसी बेइज्जती करे, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाए। देखो मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बुरा हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मैंने उसी पे रिएक्ट किया जो मैंने देखा। मेरी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। करेक्ट, आपकी जगह कोई और होता तो मुझे इसे चोरी के इल्जाम में नहीं फंसाता। तुम्हें लगता है कि दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। वो तो मेरा हार चोरी हो गया था और तुम अजनबी थी। क्या सच आंटी? क्या वाकई में मैं आपको एक अजनबी लगती हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई तो आपकी पुरानी नाराजगी है मुझसे, जिसका बदला ले रही हैं आप तो बस मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं। पर क्यों? कोई किसी के साथ ऐसा बुरा क्यों करेगा? मैं आपकी हर एक बात मानती हूँ, आपके सारे रूल्स फॉलो करती हूँ, टाइम पे रेंट दे सकूँ इसलिए जॉब भी कर रही हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आप ही थी, वो आपका ही हाथ था जिसने मेरे बैग में वो नेकलेस डाला था।
मैंने आपके हाथ की अंगूठी को तभी पहचान लिया था जो अभी भी आपके हाथ में। अच्छा तो उस वक्त चुप क्यों बैठी तुम? उस वक्त सबके सामने बोल क्यों नहीं दिया तुमने? क्योंकि मैं सच जानना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? कोई बेवजह किसी के साथ ऐसा बुरा क्यों करेगा? और आप तो इतनी बुरी है भी नहीं। तुम जाओ यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। आप मुझे वजह बता दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अभी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देने वाली। मैं बिना जवाब के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे सच बताइए कि आप ये सब क्यों कर रही हैं मेरे साथ? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब कर रही हो और तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो? खतरा है तुम्हें? ये जान को खतरा है? आप क्या बोल रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो आफत उस तरह से तुम्हारे अब तक सामने नहीं आया है, इसलिए बची हुई हो तुम। लेकिन आगे भी ऐसा होगा, इसकी क्या गारंटी है? आप मुझे धमकी दे रही हैं। धमकी? तुम्हें ये धमकी लग रही है? प्रिया, ये चेतावनी है। मैं तुम्हें सावधान करने की कोशिश कर रही हूँ, बस यहाँ से चली जाओ। मैं कैसे बिलीव कर लूँ? पहले आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और अब आप चाहते हैं कि मैं सारी बातें भूल जाऊं और इस बात पे विश्वास करूं कि आपको सच में मेरी परवाह है? परवाह है, क्योंकि इस घर में अगर किसी को तुम्हारी परवाह है तो सिर्फ मुझे। ये कौन सा रूप है आपका जो एक बार में पत्थर दिल हो जाता है और एक बार में इतनी परवाह करता है? क्यों कर रही है, क्यों तरस खा रही है आप मुझ पे? क्योंकि तुम बच्ची हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अनाथ हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया? मैं सच कह रही हूँ, अगर मैं मर भी गई ना तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। ऐसा मत बोलो। क्यों नहीं बोलूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैं डरती हूँ। किस चीज से डरती हैं आप? मेरे मर जाने से? नहीं, तुम्हें खोने से। क्यों फर्क पड़ता आपको मेरे खो जाने से? आप हो कौन मेरी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटी हो तुम मेरी। और कोई झूठ नहीं, सारा सच।
मैंने आपको अपने बच्चों के साथ देखा है, आप कितना प्यार करती हैं उनसे, बहुत अच्छी माँ हैं आप, उन्हें गले से लगा के रखती हैं, अपने आंचल में छुपा के रखती हैं, पर मेरे वक्त वो आंचल छोटा कैसे पड़ गया माँ? मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मेरे पैदा होते ही आप मुझे छोड़ के चले गए? गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। तब उम्र कम थी मेरी, नादानी में भूल कर बैठी थी मैं, कुंवारी माँ बन गई थी मैं, और जिसके हवाले मैंने सब कुछ किया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। इसलिए डर गई थी, घबरा गई थी, दुनिया में अपनी इज्जत बचानी थी मुझे, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय के तुम्हें अपने आप से दूर कर दूं। इसलिए अपनी दोस्त की मदद लेकर दिल पर पत्थर रख के इतना बड़ा कदम उठाया मैंने। ये इस दोस्त की मदद से? माँ मेरे पापा कौन है? वो इस दुनिया में नहीं है, वो एक फरिश्ता था जो इस दुनिया में वापस ही नहीं आ सकता। नहीं, नामुमकिन। पर आपने तो प्यार किया था, और प्यार करना गलत नहीं है। ऐसा तुम्हारे उम्र में सबको लगता है प्रिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने हमेशा मन्नत मांगी कि काश मैं अपना अतीत बदल पाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप बार बार ये क्यों बोल रही थी कि मुझे यहाँ पे खतरा है? क्योंकि खतरा है प्रिया, यहाँ रहना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक किसके लिए? आपके लिए? माँ, अगर आपको ये लगता है कि मैं बाहर सबको जाके ये बता दूंगी कि आप मेरी माँ हो, या हम दोनों के अतीत के बारे में बता दूंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जब मैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकली थी, तो मैं किसी बदले की भावना से नहीं निकली थी, मुझे बस अपनी माँ तक पहुँचना था। तो पहुँच गई ना, मिल लिया ना अपनी माँ से, बस अब तुम्हें लौटना होगा, और अब मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जाना है तो बस जाना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने बहुत ढूंढा है आपको, बहुत तरसी हूँ मैं आपके लिए, और अब जब फाइनली आप मुझे मिल गए हो, तो मैं आपको छोड़ के कैसे चली जाऊं? तुम समझ नहीं रही हो प्रिया। मैं सब समझ चुकी हूँ, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के सामने कभी भी आपको अपनी माँ नहीं बुलाऊंगी। प्रिया, ये औरतों में से कोई एक है जो मेरी माँ है? I'm sorry बेटा, इनमें से किसी औरतों को मैं नहीं जानती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता तुम लोगों का। अरे जाने दो ना इसको, दिल भरोसा ही नहीं कर रहा था इस पर। आप मुझे पता चला कि क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये चोर है। पता है माँ, आपके सब बहानों में से, सब वजहों में से सबसे ज्यादा दुख मुझे किस चीज ने पहुंचाया? क्या आप मेरी माँ हो? जब से मैंने होश संभाले हैं, मैंने सिर्फ आपको ढूंढा है। स्कूल की स्क्रैप बुक से लेके कॉलेज की असाइनमेंट बुक तक, पहले पन्ने में पहला अक्षर माँ होता था। कितना चाह है, कितना तलाशा है आपको मैंने, और आपने मेरे साथ क्या किया? पर आप कुछ भी कर लो माँ, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, आप खुद को मेरे पास आने से रोक सकती हो, मगर मुझको आपके पास आने से नहीं रोक सकती। मैं जानती हूँ मैं यहाँ रुकी तो आप मुझसे गुस्सा रहोगी, बात नहीं करोगी, शायद मेरा मुंह तक नहीं देखोगी, मगर मुझे वो सब मंजूर है। आपकी नफरत, आपकी नाराजगी, मुझे सब मंजूर है, मगर मेरा फिर से अनाथ होना नहीं माँ, प्लीज़। और अगर आपको डर है कि मैं यहाँ सबको आपके और मेरे पास्ट के बारे में बता दूंगी, आपकी बसे बसाई दुनिया को खराब कर दूंगी, तो आई स्वेयर माँ, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी।
मैं आपके और मेरे पास के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस। अब डरो मत। मुझे किस बात का डर है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं प्रिया? तुम्हें लगता होगा कि मुझे समाज का डर है, पति का डर है, परिवार का डर है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी जान का डर है। इसलिए 20 साल पहले मैंने जितने आपसे जुदा कर दिया था, जिसका दर्द मुझे आज भी है। अगर मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर हो बैठूंगी तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। वो आदिशात, उसके पास भी रहना एक श्राप की तरह है। आदि नागिन और चील के बेटे की फितरत कोई नहीं समझ सकता। वो कब क्या कर बैठेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम यहां से दूर चली जाओ, बहुत दूर। मगर मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें अपना लिया, गले से लगा लिया, जिसके लिए मैं तड़प रही हूं, तुम यहां से कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं। और वो आदिशात रेहान, उससे तुम कभी नहीं बच पाओगे। रेहान ने मुझे बचाया है, अगर वो नहीं होता तो मैं कभी कभी खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाती। और तुम भी मुझे खुद से दूर कर देती माँ। फिर ऐसा नहीं हुआ, और ये सिर्फ रेहान की वजह से हुआ। मैं रेहान से कितना भी चिढ़ लूं, कितनी भी नफरत कर लूं, पर मुझे उसे थैंक्स बोलना ही पड़ेगा। आई हैव टू। यार मिनी, ये अजनबी को कैसे बताएं कि उसकी जो ये पाउडर वाली चाल थी ना, वो बिल्कुल काम नहीं आई। यार अजनबी का सोचकर तो ना मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं वो कोट की जेब में हाथ डाले, खंजर निकाले और खच, किस्सा वहीं पे खत्म। अबे ओ, तेरे पास भी तो है ना इतने लंबे लंबे ये शेरनी जैसे नाखून, ये किस दिन काम आएंगे? गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। आई मीन, कोई भी प्रिया को फंसाने की कोशिश क्यों करेगा? रेहान भाई, ये सिचुएशन बोरिंग नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है, थोड़ा सा सीरियसनेस प्लीज। अरे हो गया ना यार, हार तो मिल गया, अब हम क्यों उस चक्कर में अक्कड़ पकड़ बॉम्बे पे वो खेल रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, वो गेम ना सही तो कुछ और खेल लेते हैं, क्यों? अब दिल चुराने वाला उससे खेलना भी चाहता है। अच्छा गेम सुनो। यार आरू, मैं ना तुझे लास्ट टाइम बता रही हूँ, मेरे नाखूनों पे ना नजर डालना बंद कर, तू टूट जाते वो, तो अपना ध्यान ना भटकाया करना यार। हाँ यार आरू, मैं समझ गई, पर हम अजनबी को कैसे बताएंगे कि हमें उस भूतनी को पकड़ने के लिए उसकी और मदद चाहिए। हाँ यार बहुत डर लग रहा है यार, कोई आइडिया है? नहीं पता। Hi guys, ये हमारा घर है, ये हम लोग हैं और ये हमारी पार्टी होगी। अच्छा come on, sport again. One. ओए, वो देख वो लोग वहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं। चले? चल चलते।
गाइस मान गया मैं करूंगा म्यूजिक बजाओ या म्यूजिक बजाओ ये मुड़ क्यों गया भाई का चेहरा सफेद क्यों पड़ रहा है क्या हो रहे थे फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.